हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज ही हमारी 28 क्लास है और गला इसका 5 से 6 है और चेस्ट इसकी 26 है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। मैंने देखिए पहली वाली ही चेस्ट ली हुई है, लेकिन सिर्फ गले में डिफरेंट है। तो मैं आपको वन बाई वन करके आपको एक एक करके आपको फुल सिलाई बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और अच्छे से पूरी सिलाई को आप समझ सको, सीख सको घर बैठे, और वो भी फ्री में। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कॉपी पेंसिल एक आप ऐसे ही ले लीजिए, आप ऐसे फाइल बना लें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, या आप ऐसे इस टाइप की कॉपी भी बना सकते हो, जिससे कि आप हर पेज पर ऐसे ड्रॉ करके बना सकते हो। तो आप, मैंने ये ऐसी फाइल बनाई हुई है, तो जिस पर आपको मैं फिर आपको एक एक करके क्लास बाई क्लास आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सकेगी। तो देखिए, ये हमने दिया हुआ है मेजरमेंट। लंबाई है 12 इंच, चेस्ट है 26 इंच, और कमर है 22 इंच, शोल्डर है 13.5 इंच, आर्म होल है 13.5 इंच, बस्ट पॉइंट है 8.5 इंच, गला है 6 इंच और पीछे का गला है 5 से 6 इंच। तो मैं दो साइज एक ही में लेके चल रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाएंगी फिर। और देखिए, क्लास हमारी 28 है और चेस्ट हमारी 26 है, गला है हमारा 5 से 6 इंच। तो आपको एक कॉपी पर ये नोट करके लिख लेना है एक पेज पर, और बीच में आपको एक डब्बा टाइप का बना लेना है। तो देखिए, एक मैं डब्बा बना लेती हूँ, जिससे कि मैं आपको ड्रॉ करके बता सकूँ स्टेप बाय स्टेप आसानी से। लेकिन आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आपकी अच्छे से समझ में आएगी। ये नहीं है कि आप बीच में से छोड़ दो, स्किप कर दो, तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगी कि मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो शोल्डर है वो 13.5 इंच है और लंबाई है हमारी 12 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करके लेते हैं, क्योंकि आधा इंच ऊपर जाता है सिलाई में और आधा इंच नीचे जाता है। तो जो हमारी लंबाई है उसमें हम 1 इंच प्लस करके ले लेंगे, तो ये हमारी लंबाई 13 इंच हो जाएगी। देखिए, 12 इंच लंबाई है तो हम 1 इंच प्लस करके बराबर 13 इंच हो जाएगी। और चेस्ट है हमारी, इसका हम चौथा हिस्सा लेंगे, चौथा हिस्सा लेंगे, तो इसका चौथा हिस्सा हो जाएगा, 6.5 इंच, 6.5। तो हम ये गला ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे और इस बराबर करके 7.5 इंच हमारा जो चेस्ट निकलेगी, हम वो निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। और देखिए, कमर हमारी, इसका भी हम चौथा हिस्सा करेंगे, तो हम चौथा हिस्सा करेंगे इसका, तो हमारा जो हिस्सा हो जाएगा 5.5 इंच, और उसमें हम प्लस करेंगे जो हमारा 1 इंच टक्स का आएगा वो, तो हम 1 इंच टक्स का प्लस कर देंगे इसमें, तो बराबर करके 6.5 इंच हो जाएगा, क्योंकि 5 और 1/6 और ये आधा 6.5 इंच हो जाएगा। और देखिए, ऐसे ही हम शोल्डर को कर लेंगे, शोल्डर को पहले हम आधा कर लेंगे, आधा, और आधा करके हमारा शोल्डर होता है 6.75 इंच। और इसका हम क्या लेंगे, अगर हमारा 5 से 6 इंच जो गला है पीछे का, तो अगर हमारा 5 से 6 इंच गला है तो हम इसमें से माइनस करेंगे। अब हम माइनस करेंगे इसमें से 0.5, मतलब कि आधा इंच माइनस कर देंगे। तो देखिए, माइनस का निशान लगा देना अगर माइनस करना है तो, और अगर प्लस करना है तो प्लस का निशान लगा देना, ताकि आपको बाद में अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, मैंने माइनस का निशान लगाते हुए आधा इंच लिख दिया है, तो इसको बराबर करके 6.25 बचेगा, केवल 6.25 बचेगा 6.75 में से। और देखिए, आर्म होल को भी हम आधा लेते हैं, इसको हम आधा कर लेंगे, तो इसका बराबर हो जाएगा 6.75। और बस्ट पॉइंट में हम, जैसे कि हमारा बस्ट पॉइंट 8.5 है, तो इसमें हम प्लस आधा इंच कर देंगे, तो बराबर हमारा 9 इंच हो जाएगा।
ये आधा इंच हम प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा आधा इंच सिलाई में चला जाता है उसके लिए। और ये देखिए गला है आगे का 6 इंच और ये पीछे का गला है, तो इतना ही लेते हैं। ये तो हम थोड़ा सा सिलाई वगैरह के लिए और ऐड कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने लंबाई ले ली है 13 इंच। अब हम देखिए शोल्डर लेंगे, शोल्डर हम गले के हिसाब से लेते हैं, तो मैंने गले के हिसाब से आपको बता दिया आधा इंच कम करना है, तो हमारा जो शोल्डर हो जाएगा 6.25 इंच हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ तक हमारा 6.25 इंच आ रहा है यहाँ से, तो आपको ऐसे जैसे मैं बताती जाऊँ ऐसे ड्रॉ करते जाना है, और साथ में समझना भी है, ये नहीं है कि खाली ड्रॉ करते जाओ और समझो नहीं। तो और देखिए अब यहाँ से और यहाँ तक हम निशान लगाएंगे करीब 6 इंच पर। ये सिर्फ जो 6 इंच हमने लिया है ये केवल अंदाजा है। और देखिए यहाँ से यहाँ का निशान लगाएंगे हम 5.5 पर, ठीक है। तो इसको हम तिरछा निशान लगा देंगे ऐसे करके। तो हमने ये 6.25 इंच लिया है और यहाँ से हमने 5.5 इंच लिया है केवल, ये ध्यान रखना। और हमें इसको देखिए आर मोड़ को ऐसे सेप दे देना है और इसमें हमें गोलाई ऐसे करके दे देनी है। तो जो ये यहाँ से यहाँ तक गोलाई होगी वो हमारी 1 से 1.25 इंच तक होगी, ये मैंने हर साइज में आपको बताया है। तो इसकी गोलाई 1.25 इंच तक होती है केवल, ज़्यादा नहीं होती है। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक चेस्ट का निशान लगाएंगे, जैसे कि हमारी चेस्ट है यहाँ तक, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी चेस्ट है, और चेस्ट हमारी देखिए 7.5 निकल के आ रही है, तो 7.5 हम निशान लगा देंगे। हमने चेस्ट का निशान लगा दिया है। और देखिए अब हम आर्महोल का जो राउंड होता है वो हमारा मेन होता है, ये जो यहाँ से आर्महोल यहाँ से यहाँ तक ये जो नापा जाता है ये केवल अंदाजा होता है, ये कोई हमारा फिक्स नहीं होता है। जो मैंने 6 इंच लिया है ये कोई भी फिक्स नहीं है, जो हमारा राउंड ये निकलता है जो आर्म होल का ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ से और यहाँ तक ये राउंड होता है जो चेस्ट तक हमारी, वो हमारा मेन राउंड होता है। तो जो हमारा आर्म होल है सब, तो ये 6.75 आर्म होल है, तो हमें ये नापना है पूरा इतना। तो हमारा अगर छोटा है तो हम थोड़ी सी ऊपर से लाइन कर सकते हैं, और अगर हमारा बड़ा आ रहा है, नहीं सॉरी छोटा आ रहा है तो हम थोड़ा सा नीचे से लाइन कर सकते हैं, और थोड़ा बड़ा आ रहा है तो हम ऊपर से लाइन करके और गोल से दे सकते हैं। तो हमें 7.25 हो रहा है, तो हम 7 इंच तक इस आर्म होल को ले सकते हैं। तो अब देखिए कमर का नंबर आ गया, कमर हमारी देखिए निकल के आई है, मैंने पूरा आपको बता दिया। हमें 1 इंच जो टक्स है उसके लिए प्लस करना है चौथा हिस्सा करके, तो हमारा 6.5 इंच होता है ये। तो हम यहाँ पर जैसे कि निशान लगाएंगे 6.5 इंच हमारा यहाँ पर हो रहा है, तो ये हमने 6.5 इंच पर लगभग निशान लगा दिया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6.5 इंच 6.5 इंच। और देखिए इसके बीच में ये जो 6.5 इंच लिया है और इसके बीच में बिल्कुल मिडिल में जो टक्स बनता है वो हमारा टक्स होता है 1 इंच का। तो हमें बिल्कुल बीच में जो कोई भी साइज हो इसके हमें बीच में ये टक्स निकालना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस टक्स की लंबाई हमें इस साइज में 3 इंच की रखनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, 3 इंच की रखनी है। और जो भी आपको मार्जिन देना है 2 का 1.5 का जितना आप देना चाहो, मैं 2 इंच का मार्जिन देती हूँ तो 2 इंच का मार्जिन मैं लिख देती हूँ, आप जितना देना चाहो उतना आप दे सकते हो, इसमें आपकी कोई वो नहीं है कि कितना दे रहे हो। तो देखिए जैसे कि हमारा गला हो, देखिए शोल्डर को हमें यहाँ से यहाँ तक हमें शोल्डर को नापना होता है, जितना भी आपको चौड़ा चाहिए। तो मैं 2.75 से 3 इंच तक लेती हूँ, तो 2.75 2.75 इंच होता है ये, तो मैं 2.75 इंच तक लेती हूँ। और देखिए यहाँ से हमने जो निशान लगाया यहाँ तक हमें जो 6 इंच का हमने गला लिया है, 5 से 6 इंच का जितना हमने लिया है उसमें हम जैसे कि नीचे तक ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ सकेगा, ये मैं सोचना कि नीचे तक ये 6 इंच यहाँ तक लिया है, तो क्योंकि ये जो यहाँ पर लिख रहा है इसका पता नहीं चल पाएगा। तो देखिए इसमें हमने करीब 5 से 6 इंच तक ये गला ले लिया और इसमें हमने राउंड से दे देनी है, तो ये यहाँ से और यहाँ तक ये पूरी लंबाई हमारी 5 से 6 इंच हो जाएगी गला।
ये पीछे का है और हमें देखिए शोल्डर को हल्का सा डाउन कर देना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, पाव इंच डाउन कर देना है, 2.5 इंच तो 2.5 इंच हो जाएगा और 0.25 ये पौना है, पाव इंच होगा, सॉरी बोलते बोलते कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। तो आज ये हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छा है, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना कि अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आया हो तो उस पार्ट को आप कमेंट करके पूछ सकते हो और उसका मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, फ्रेंड बाय।